करते हैं और क्या नमस्ते बोलते सब दिखाना एक बार चार लग रही क्योंकि बॉस हमारा आलू का पराठा। और इस लड़की को देखो, कोई देख सकते हैं यहाँ छुपी हुई है ये। मैंने इसको बोला सॉक्स सूज पहन ले और सॉक्स उतार देती है ये हमेशा सॉक्स और सूज। अभी इसने केवल अभी सॉक्स भी उतार रही है, सूज उतार के फेंक दिया वहाँ पर और सॉक्स भी उतार रही है। दिन भर मैं इसके सॉक्स सूज बदलती रहती हूँ तो यहाँ पर छुपी है अभी ये मेरे अंदर से आने। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ममता और मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड के खटीमा से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। आज अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। 12 बजने वाले हैं क्योंकि एक दिन अंदर न रहो तो इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है। इसके पापा का, इनका भी काम चल रहा था डेकोरेशन मंदिर में, शिवपुराण है भागवत, तो वहाँ डेकोरेशन टेंट का काम चल रहा था और अंदर ऐसा कर दिया था इन्होंने सफाई करके। मेरे को अभी टाइम मिला, मैंने सोचा क्यों ना एक बार ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ। और सानू यहाँ छुपी हुई है और सानू यहाँ पर छुपी हुई है ये, और फिर से सॉक्स और सूज उतार दिए इसने और मुंह पर पूरा स्केच लगा रखा है इसने। हाय गाइस बोल दे, नमस्ते बोल दे सबसे पहले। हाँ मम्मा सॉक्स और सूज पहना रही है तब यहाँ छुपी है ये। और सबको प्यार अभी आधे तो मैंने सुबह इतने कपड़े बर्तन हो गए थे और अभी और है मेरे, और बर्तन भी धोने नाश्ता करे हुए और मैंने अंदर की सफाई भी कर ली है क्योंकि इन्होंने इतना गंदा बना दिया था यहाँ पर, किचन तो देखने लायक ही नहीं था ये। अभी मैंने इसकी सफाई वफाई कर ली है। 12 बज गया, मैं कपड़े धो लेती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ, फिर खाना वाना भी बनाना है। फिर क्या बोलते हैं, सोच रहे हैं चकरपुर का मेला जाएंगे आज। ये क्या बोलते हैं इनको, मैं कब से बोली, शिवरात्रि के दिन से बोल रही हूँ कि चकरपुर का मेला ले जाओ, चकरपुर का मेला ले जाओ, लेकिन ये नहीं ले जा दे रहे क्योंकि इनका भी काम चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रही हूँ। आज थोड़ा काम हो गया होगा तो मैं सोच रही हूँ चकरपुर का मेला जाएंगे आज, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो काम वाम है तो अगर मैं जाऊँगी तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँगी मेला यहाँ का, मैं भी फर्स्ट बार ही जाऊँगी। ये गए हैं मलयनाथ मंदिर डेकोरेशन के लिए, तो मैं मलयनाथ मंदिर यही देवरी में चल रहे भागवत यानी शिवपुराण तो डेकोरेशन हो रखा है, उसकी झलक थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगी अभी, तो देखते। नमस्ते भाई, कहते कहते चलेंगे। गर्मियों में ऐसे मौसम रहेगा यहाँ का, बिल्कुल मतलब बंद घुटन जैसी अजीब वाला मौसम हो जाता है। एक तो गर्मी ऊपर से बंद बंद अजीब लगता है। दिखाते हो आप लोगों को भी एक बार मौसम का हाल, और ये रहा मौसम का हाल जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोहरा लगा है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है मतलब अभी से गर्मी शुरू हो गई है यहाँ। आज से थोड़ी हवा भी चल रही है, अभी धो के रखा है यहाँ पर, अभी इसकी दाल बनाऊंगी मैं। और सानू नीचे होगी मिट्टी से खेल रही है यहाँ पे ना, ये खेतों में दवाई डालें क्योंकि बीच बीच में जो घास होते हैं ना वो घास मर जाएंगे इन दवाइयों से। ये ऐसे डाल रही है खेत गेहूँ में, उधर वाली साइड उधर साइड के तो सारे सभी ने डाल दिए, आज ये डाल रहे हैं। तीन और ये आपने बोला था अभी शाम को जाएंगे, हाँ देखते हैं फिर। अभी मैंने बोला था मेला जाएंगे, और ये देखो ये हमेशा ऐसा करते हैं, धोखा दे रहे हैं। अगर आप जो नहीं ले गए ना मेले में, क्या
क्या करते हैं भाई? ये बोले मेले में क्या करना है, मेले में घूमते हैं फिरते हैं, ऐश करते हैं और क्या। तो ये हमेशा ऐसे करते हैं, यहाँ ले जाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, लास्ट में फुस कुछ नहीं। मेरे पर्स से चोरी कर उड़ रहे मेरे पर्स में। तो इनका हमेशा यही ड्रामा होता है कि आज जाएंगे कल जाएंगे आज जाएंगे कल जाएंगे। तो ना ये तो चले गए हैं, अब मेरा प्लान रह गया वैसे कि वैसे, तो देखते हैं ये कब आते हैं और कब जाते हैं हम। तो ना शाम के 4:30 बज रहे हैं, इनको ये बोल रहे थे शाम को मेला जाएंगे, तो मेला वाला कुछ नहीं जा रहे हैं हम क्योंकि ये आए नहीं है। सानू और मैं जा रहे हैं दुकान। सानू कहाँ जा रहे हैं, क्या लेने? तो ना बहुत धूप लगी है, 4:30 होने वाला है और यहाँ धूप लग रही है बहुत। चलते चलते हमें गर्मी भी होने लग गई है, हम यहीं से आए हैं मतलब गर्मी होने लग गई। और सानू ये है ना, हाय। तो मैं इसको लेके तो आ गई, लेकिन मैं इसको चिढ़ाने के लिए मैंने बोला नहीं ले जाऊंगी तेरे को दुकान, और रोने लग गई है, ऐसे भाग रही है। इसने मेरे को प्रॉमिस किया था मैं बीच रोड में नहीं भागूंगी और दुकान में ये चीज़ भी दे वो चीज़ भी दे नहीं खाऊंगी ना। हाँ अभी हम हमें वो आगे तक जाना है, हाँ ट्रैक्टर जा रहा है, हाँ भागो भागो। मैंने क्या बोला, मैं घर पहुंचा दूंगी फिर। साइड में जा, साइड में जा, जल्दी साइड हो जा। हाँ घर भी है और है आम का बगिया, आम का बगिया है ये, यहाँ बहुत आम लगते हैं। कहाँ से दिला दूँ? दुकान से। अच्छा मेरी बुआ के, मेरी बुआ करने आई थी मम्मा, मेरी बुआ के पास ले जाओ दोनों मम्मा। कहाँ से ले जाओ, यहाँ से थोड़ा ना जाते हैं। धूप बहुत तेज लग रखी है और किनारे किनारे पे कोहरा जैसा लगाया है, अब इतना धुंध अजीब जैसा हो रहा है। मैं ऐसे चलूंगी कह रही है सानू, बिल्कुल कमर में हाथ लगा लगा करके। और भी क्या लाए हो? अरे गुड़ कितने रुपए किलो दे रहे हो? 100 का 1 किलो, 40 का ना। और संतरा दिखाना तो एक बार। हाँ ये 4x6 का है क्या? कौन सा? ये वाला। हाँ, 4x6 कैसे बनाते हो? ये देखो, ये देखिए लग तो अच्छा रहे, तो इनके हरी बना के देखा हूँ मैं। अच्छा लग तो अच्छे रहे ये। लास्ट है 400 रुपए, ये है 350। 6x6 का कितने का बनाते हैं? 6x6 का इसमें बनता नहीं है, इस वाले में बनता, बड़े में। इसमें नहीं बनता? कौन बढ़िया, 6x6 का कह रही हूँ मैं। 6x6 कह रही हूँ ना, वो नहीं बनता है, वो नहीं बनता है। देखो इस वाले में बनता। अच्छा तो बड़ा किंग है, तो किंग बनेगा। और 7x7 का भैया देखिए, ये पुराने कपड़ों का इतना अच्छा बनाते हैं। कौन ये? ये हाँ मतलब आजकल अच्छा लगता है, मतलब ये लग नहीं रहा बिल्कुल कि पुराने कपड़ों का है ये ना। हाँ गाइस कोई है क्या यहाँ? बाबू मम्मा का है, मम्मा नहीं है। कोई है क्या, कोई है क्या दुकान में? दुकान पे आ जाओ, इनको ढूंढते ढूंढते थक गए हम आज तो। गुम देखिए मेरे को मैरून कलर की बिंदी चाहिए, जो कि है नहीं है, तो ये मैरून कलर में ही तो है ना। ये वाली, ये वाली मैं बड़े ही लगाती हूँ, ये वाली कैसे रहेंगे, मैरून ही है ना ये। ले लिया ये बिंदी मैरून कलर की, और मुंह में इतने दाने हो रहे मेरे। रेड मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो सामान लेने कुछ, तो हम जा रहे हैं बच्चों की दुकान में। हेलो बोल दी थी आज सरवारी, आज हम इनके घर आए ना। ये वैसे बोल भी थे आज आजी सरवार। तो हम आए इस लोगों के घर में और सानू झूल रही है झूला। सानू को बिल्कुल डर नहीं लग रही है ना, सांपों को भी झूलने हैं। इसमें फूल बो रखे हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं, ये वाला फूल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे गमले रखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर ये वाला लग रहा है, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सुंदर सुंदर फूल खिले हैं,
लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट यही लग रहा है, जो बहुत ही देखने में सामने से इतना सुंदर लग रहा है, फोन में तो उतना क्लियर नहीं आ रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सामने से बहुत सुंदर दिख रहा है। ये वाले फूल भी बहुत सुंदर लग रहा है, गेंदे का फूल और ये पता नहीं काहे का फूल है ये। अच्छा पकड़ना खेल के झूला तोड़ दिया, इतना झूला झूली है ना ये, अभी घर नहीं जाते घर ही गौरव और करण अर्जुन। ये ना रात के 9 बज रहे हैं और ये आ रहे हैं अभी, और इन्होंने मेरे को आज धोखा दिया है। बोले क्या बोले, और बोलो एक बार। तो ना ये बोल रहे थे मेला लेके जाएंगे और 9 बजे आ रहे हैं रात के, बताओ अब कब जाएंगे हम, रात को जाएंगे मेला। तो ये हमेशा धोखा देते ऐसे करते ये। अब मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ आलू के पराठे, और इनके लिए नहीं बनाती। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और उसकी सब्जी है, सब्जी की सब्जी है पानी का देना अभी, ठंडा मट्ठा भी हो गया, छौंका मार देना जीरे का। तो हम बनाते हैं भाई एक बार खाना वाना, बनाते हैं आपको अभी खाना बना के। मैं बनाने लग गई हूँ पराठा, एक पराठा बन गया मेरा, और अंधेरा हो रहा है किचन में क्योंकि बल्ब उस साइड को है। ये रहा मेरा पराठा, और ये घी बनाई है मैंने, ये मलाई से बनाई थी मैंने, कितने दिन की, 13-14 दिन की मलाई रखी थी, और एक टिफिन में हुआ था और आधा एक छोटा मग है उसमें हुआ था मेरा घी। अभी गल नहीं रखी है ना ये थोड़ा, हमारा खाना बन चुका है, दो दो पराठे। पीछे इग्नोर करिएगा, बहुत कपड़े वपड़े लटका रखे हैं मैंने। हमारा आलू का पराठा और तरूर की सब्जी, यहाँ क्या बोलते हैं, तोरा बोलते हैं और हमारे तरूर बोलते हैं। तो ना इसके साथ मैं अपनी ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।